अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मी डॉट सगुफ्ता में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? तो सुबह का टाइम हो चुका है और मेरा मॉर्निंग हो चुका है। जैसे कि अभी फ़िलहाल रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद हम लोग लेट जाते हैं, तो थोड़ी सी नींद आ जाती है सुबह को। तो फिर सुबह थोड़ा लेट हो जाता है जगने में। वैसे घर में हम लोग सभी लोग रोज़े रखते हैं, बस दो चार बच्चे हैं हमारी फैमिली मेम्बर में उन्हें छोड़कर। तो मेरी सुबह हो चुकी है और ये देखिए मेरा बेटा है जो अभी तक जगे नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी तक ये सो रहे हैं तो जो भी मेरा काम है उसको फिनिश कर देते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त हमें ज़रूर बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल है मी डॉट सगुफ्ता। तो आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ। सबसे पहले मैंने सुबह में कुछ कपड़े थे उसे मैंने ये धोने के लिए मशीन में डाल रखा था, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा धोई हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे नींद आने लगी अचानक सुबह को फजर के बाद। तो फिर मैं छोड़ दी, थोड़ा सा फैला दी और उसके बाद जो भी कपड़े थे, और मैंने सोचा बाद में उठूँगी तो धोऊँगी। तो अभी देख सकते हैं हम बाहर आ चुके हैं और रात में जो भी कपड़ा था मैंने वो क्लीन किया हुआ था कुछ कपड़े, और ये कुछ इधर भी है आप देख सकते हैं, और ये कुछ कपड़े जो है मशीन में है। तो मैं अब इसको ऑन कर देती हूँ। सुबह सुबह उठने में तो रमजान का ये मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम सभी लोग थोड़ा सा हम लोग बिजी रहते हैं इफ्तार के लिए। सब लोग खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा टहलते हैं और टहलने के बाद नमाज़ की टाइम हो जाती है, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान शरीफ पढ़ के थोड़ा सा लेट जाते हैं। इसलिए मुझे सुबह का वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ। अभी मेरा स्टार्टिंग है और मेरा ये ब्लॉग जो है पहला ब्लॉग है, मतलब आज मेरा ये थर्ड ब्लॉग है। मतलब हम आप लोग से जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और कहीं भी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी क्षमा मांगती हूँ और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लगता है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब चीज़ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बहुत लोग हैं जिन्होंने देखी तो अच्छा लगता है। तो ये मेरा फ्लोर है जिसे हम लोग ब्लॉग पर रहते हैं, तो ये मेरा बेडरूम है और जो भी हमारे घर के फैमिली मेम्बर है ये सब उन लोग का बेडरूम है। मैं धीरे धीरे आप लोग को बताऊँगी कि मेरे घर में कितने लोग रहते हैं। और ये फ्लोर पे हम लोग बहुत फैमिली मेम्बर रहते हैं और नीचे भी है लोग रहते हैं। अभी मैं ऊपर का जो भी काम है जैसे कपड़े धोना और फ्रेश होना, इधर सब सामान इधर उधर जो इकट्ठे होते हैं वो सब सब क्लीन करके मैं नीचे जाती हूँ। उसके बाद नीचे का जो भी काम होता है उसे क्लीन करने के बाद आने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले सुबह हुई तो स्टार्टिंग शुरू की जाए, मतलब ऊपर से ही शुरू की जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा विंडो है जो कि बहुत टाइट हो चुका है, तो मुझसे खुल ही नहीं रहा है, नहीं खुल पा रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाती थी मेरा मेन गेट इधर से आता है और मैं आप लोग को दिखाती हूँ छत जाने का हम लोग का रास्ता है। मेरे घर में एक फैमिली मेम्बर के साथ साथ मेरे घर में कुछ जानवर भी है, जैसे मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक और है मायरा है जो मैं आपको मिलवाऊंगी उससे। मायरा देखिए आप लोग देख सकते हैं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी है ये मायरा जो है, बिल्कुल हम लोगों की तरह है, जैसे हम लोग बोलते हैं इसे वैसे ही करती है और बहुत ही अच्छी है। आप लोग देखिए मैं इसको इससे सर को सहला रही हूँ तो कितनी शांति से आके खड़ी हो गई है। मुझे लग रहा है कि इसे धूप लग रहा है, इसे मुझे
मैं तो नहीं मानती लेकिन घर में है लोग, उन लोगों को बोल दूंगी वो बहान देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ना ये डर लगता है कि अगर मैं इसे लेकर नीचे आई और ये मेरे हाथ से छूट गया और कहीं भाग गया तो मैं क्या करूँगी। और नीचे बहुत तेज़ दौड़ती है ये, मतलब एक बार अगर ये खुल जाए, क्योंकि हमें सब नीचे बंधी रहती है, ये पूरे छत पे जो है ना इन्हीं का, ये पूरे छत इन्हीं का है, पूरी छत पे ये अपना घूमते रहती है। ऐसे हम लोग आते नहीं हैं, ऐसे छत से हम अपना कभी व्यू दिखाएंगे आपको बाहर की, बहुत अच्छा लगता है हमारा एरिया, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद मैं अब नीचे चलती हूँ। देखिए उसको लग रहा है कि मुझे नीचे नहीं बहान दे, इसलिए वो बहुत चिल्ला रही है, भौंकने स्टार्ट कर दी है। चलते हैं रूम में। मैं अपने बेडरूम में आई हूँ, जैसे कि मैं ब्लॉग पार्ट टू में आप लोगों को अपना रूम दिखा चुकी हूँ। तो ये मेरा बेड है, इधर मैंने ये टेलीविज़न लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने रखा हुआ, इसलिए अभी देखिए रात में मैंने इतने सारे कपड़े को फोल्ड करके रखी थी और ये सब जो कपड़े थे मैंने छोड़ रखी थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, जैसे कि आपको बताया है। तो अभी इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। और ये देखिए ये फ्लावर आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आयल को भी मेरा बेटा है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। और ये जितने आप सब नीचे से बॉटल देख रहे हैं, वाटर बॉटल, ये मेरे बेटा है जो इनको हर वाटर बॉटल में पानी को सेव करके रखना अच्छा लगता है, तो इसी में सारे पानी को इकट्ठे करके यहाँ पर रख देते हैं। और ये फोटो देख सकते हैं आप लोग, ये आयल है जो छोटा था, और ये मेरे हस्बैंड है जो कि पूरा क्लीन नहीं देख पा रहा है, लेकिन अभी वो इस वक्त यहाँ नहीं है, तो वो आएंगे तो मैं उनसे मिलवाऊंगी और धीरे धीरे मैं नीचे सबसे मिलवाऊंगी, क्योंकि मेरा पहला जिसे ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा मुझे भी जिसे शूट करते समय थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आप लोग समझ सकते हैं फर्स्ट टाइम कि ऐसे कैमरे को लेकर मतलब किसी से कुछ कहना है, ये थोड़ा सा मुझे शर्म आ रही थी कि क्या कहेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहेंगे तो कुछ लोग तो जो भी है वो कहेंगे तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मतलब अंदर से जैसे स्टार्टिंग है, समझ सकते हैं। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये लग रहा था। तो सबसे पहले मैं इसको फोल्ड करके हटा देती हूँ, क्योंकि आहिल सोया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं ये सब भी जो भी काम है, क्योंकि बेड का तो अभी मैं क्लीन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो सोया हुआ है, तो जब तक नहीं जगेंगे तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मेरे साथ मतलब दिन में मैं क्या क्या करूँगी, ऐसे तो कुछ भी इस फिलहाल इस टाइम अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और ये महीना वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुबह को टेंशन नहीं होती है बिल्कुल, ये इत्मीनान से जगो और उसके बाद से फिर अपना जो भी है धीरे धीरे अपना आराम से जगने के बाद जो भी काम है अपना क्लीन कर लो। और वैसे मेरे घर में फैमिली मेम्बर हैं बहुत लोग, बहुत लेडी, बहुत लेडीज़ है, बहुत जेंट्स है, तो हम सब लोग सब मिल के काम कर लेते हैं, जैसे कि मेरी देवरानी एक है, मेरी दो जिठानी हैं, मेरी एक नंद, दो नंद हैं जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल है लोग, और भी हेल्प करने के लिए कोई कोई है उन घर में लड़की लोग, तो हम लोग को उतना ये जिस तरीके से मतलब जितने फैमिली है जो जितने काम है हमारे घर में, इफ्तार के टाइम आप लोग पार्ट टू में हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देखिएगा। और मैं ऐसे भी अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैं वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। मैं शूट नहीं कर पाई कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि बहुत सारे इधर उधर इफ्तार का टाइम से पहले पता है आप कितना काम होता है, ऊपर से ये दो वो दो, ये रखो वो रखो, तो मैं नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने ये क्लिक करके आप सभी को दिखाया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं जो भी है मैं इस वीडियो को शूट करके दिखाऊँ, तो ठीक है मैं दिखाऊँगी। तब तक मैं आप ये जल्दी से काम ख़त्म करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ।
एंड फाइनली मेरा ऊपर का जो भी काम है वो सब क्लीन हो चुका है और मैं रिफ्रेश होके आ गई हूँ और आहिल को रिफ्रेश कर दी हूँ और वो नीचे भाग चल चुका है। और आहिल उठने के बाद मैंने अपना बेडशीट को क्लीन किया, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और बाल को ये कर लेती हूँ थोड़ा सा तौली से, क्योंकि बाल ना वैसे भी आजकल बालों का समस्या बहुत काफ़ी बढ़ते जा रहा है। हम सब लोगों का बाल इतने झड़ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा तेल यूज़ करें, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन जहाँ तक होता है जो लोग कहते हैं कि ये करो इससे सही होगा उससे सही होगा तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सेम प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए मैं आपको अब मैं दिखाऊँगी। आहिल तो पता नहीं कहाँ चला गया है। जल्दी से ये करके फिर नीचे चलती हूँ फटाफट, क्योंकि आहिल को नाश्ता भी करवाना है। आप लोग कौन से क्रीम यूज करती हैं हमें जरूर बताएं। मैं तो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में एक बार फ्रेश होने के बाद, ज़्यादा नहीं एक बार तो आदमी यही कर सकता है, लेकिन नीचे जाने के बाद कोई ना कोई आते रहता है, तो अगर इस तरीके से नहा कर हम लोग ऐसे रहेंगे तो कहते हैं कि कैसे रहते हैं, सामने तो नहीं गएंगे लेकिन फिर भी। मेरे बाल इतने मोटे थे, इतने अच्छे थे, लेकिन अब पहले जैसा मेरा बाल नहीं रहा, क्योंकि मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है। तो चलिए मैं अब चलती हूँ, नीचे जा रही हूँ और देखती हूँ नीचे क्या है, क्या करना है नहीं करना है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, और बताते रहिए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ आहिल को नीचे नाश्ता करवाने, उसके बाद मैं देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी।